जय हिंद प्यारो साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब आदमी ठीक होंगे। मैं जेएसके सर आप सभी का स्वागत करते हैं जेएसके सर क्लासेस 2.0 पर। आज की क्लास में बात करते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के कितना प्रकार होता है, सारा कुछ जानेंगे आज की क्लास में सर्वनाम के बारे में। यदि आप संज्ञाएं वाली क्लास नहीं देखे हैं तो संज्ञा वाली क्लास भी अपलोड हो चुका है, तो संज्ञा वाली क्लास को भी आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप क्लास 10th में हो या चाहे 12th में हो या अन्य किसी क्लास में हो तो आप व्याकरण में जाकर बेहतर कर सकते हैं जब हमारे क्लास को अटेम्प्ट कर लीजिए फुल तक। तो चलो जानते हैं सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम हम उसको कहते हैं जो संज्ञा के बदले आते हैं। अब कहेगा संज्ञा क्या होती है, तो संज्ञा की क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो वहां से जाकर आप संज्ञा को पढ़ सकते हैं। तो संज्ञा वैसे भी जान लेते हैं जो किसी संज्ञा उसको कहते हैं किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम जो होती है, व्यक्ति हो वस्तु या स्थान के नाम हो तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरा नाम जीएसके सर हुआ, तो यह क्या जीएसके क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अब ये जो वीडियो देख रहे हैं आप अपने फोन में देख रहे हैं मोबाइल, तो मोबाइल क्या हो जाएगा आपका, संज्ञा हो जाएगा। हम इस बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बोर्ड क्या होगा यह संज्ञा होगा। मार्कर से लिख रहे, मार्कर क्या होगा, संज्ञा होगा। हमने अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कैमरा के माध्यम से, तो कैमरा ये मेरा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अब इनके बदले में जो आ जाते हैं उसको हम कहते हैं सर्वनाम। इनके बदले में जो आ जाते हैं उसको कहते हैं सर्वनाम। जैसे हम इसको पहले परिभाषा के तौर पर जानते हैं जो सर्वनाम क्या होता है। वैसा शब्द जो क्या आते हैं, जो संज्ञा के बदले आते हैं, जो संज्ञा के बदले में आते हैं, बदले में आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे यदि हम बात कर ले जैसे मैं आप तुम वह वे इत्यादि, ये आ जाते हैं सर्वनाम। यदि बात करे कहना है किसी को, आपके सामने कोई खड़ा है या हम और आप में बात कर रहे हैं, आपका नाम मान लेते हैं मोहन है, तो बार बार मोहन कहना ठीक नहीं होता है, सेंटेंस जो होती है क्या होती है, गड़बड़ आ जाती है, उसकी सुंदरता खराब हो जाती है। जब एक बार कह दे या नहीं तो सामने से सीधा आप कहते जाए, जो आप जो कर रहे आपका नाम क्या आ जाता है, राम आ जाता है, आपका नाम क्या आ जाता है, राम आ जाता है। तो कहेंगे राम अच्छा है, राम सुंदर है, राम पढ़ने में बहुत बढ़िया है। तो बार बार जैसे हम यदि नाम का इस्तेमाल करते हैं तो यह क्या होती है, सेंटेंस की क्या होती है, वाक्य की क्या होती है, सुंदरता को नष्ट कर देती है। तो राम की जगह पर हम एक बार कह देंगे राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। और अब जो हम इस्तेमाल करेंगे राम की जगह पर, अब फिर यदि हम लिखते हैं राम, राम पढ़ने में बहुत अच्छा है, राम पढ़ने में बहुत अच्छा। बार बार हम क्या कर रहे हैं, राम को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बार बार राम के इस्तेमाल करने पे क्या होता है, हमारा ये वाक गड़बड़ा जाते हैं, वाक देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, एक बार राम का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, वह का इस्तेमाल करते हैं। वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, वह दौड़ने में बहुत तेज है, यानी कि बहुत तेज जो दौड़ते हैं, तब यह वह का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वह किसके बदले में ले आ रहे हैं, राम के बदले में ले आ रहे हैं। यह हो जाएगा आपका क्या, सर्वनाम। क्या हो जाएगा, सर्वनाम। समझ गए बात को। यदि इसको सीधा सिंपल सी उदाहरण सी यदि हम गांव घर से उदाहरण को उठाते हैं तो रक्षाबंधन का त्योहार आता है, इसमें आप सब जानते होंगे रक्षाबंधन के त्योहार में क्या करते हैं, जो भाई बहन को राखी बांधते हैं, इसमें बांधते हैं। जब क्या करते हैं,
आपके मामा को आपके माँ राखी बांधते हैं। मान के चलो किसी कारण बस आपकी माँ नहीं पहुंच पाए नानी को, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, राखी तो पहुंचानी होती है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, मम्मी ने राखी देते हैं, कहते जाओ रे बाबू तुम्हें पहुंचाओ। तो वो राखी बंधन में माँ के बदले में कौन गया है, नानी को हम गए हैं चाहे आप गए हैं, तो आप क्या हो जाएगा वहां पर सर्वनाम हो जाएंगे। यदि माँ गए तो संज्ञा, यदि आप पहुंच गए मामा के पास राखी लेकर तो आप हो जाएंगे वहां पर क्या, आप आ जाएंगे सर्वनाम। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो मुख्यतः सर्वनाम के हम यदि भेद पर बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद आ जाते हैं। सर्वनाम का भेद के बात करें तो सर्वनाम का आ जाते हैं 6 सर्वनाम के भेद। साथ साथ नोट करते चलो सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद पर बात करें तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्व नाम के 6 भेद होते हैं, भेद होते हैं। सर्वनाम की कितना भेद आ जाता है, तो सर्वनाम के 6 भेद आ जाते हैं। इसमें यदि हम बात करें तो एक में आ जाता है आपको, सबसे पहले यदि हम बात कर ले तो सबसे पहले आपको आ जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष वाचक सर्वनाम। सबसे पहले कौन आ जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आ जाते हैं आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे आगे हम बात कर ले तो इससे आगे आ जाएगा आपको संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम दिखाई दे रहा होगा, और आ जाएगा आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न वाचक सर्वनाम, और छठा नंबर में आपको आ जाएगा सबसे लास्ट में निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो आपको सामने में 6 भेद है। सर्वनाम के कितना भेद आ जाता है, तो वह 6 भेद होता है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो अब इन 5-6 भेद को अलग अलग से पढ़ेंगे, जो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, सारे के सारे का चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे हम इसके ऊपर करते हैं चर्चा। ठीक, तो चलो फोटो खींचना है तो फटाफट से फोटो ले ले। चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम, कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं किसको, तो आप भी लिख सकते हैं इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको लिखेंगे किस प्रकार से, पुरुषवाचक सर्वनाम वैसा सर्वनाम होता है, वह सर्वनाम होता है जो क्या करते हैं, पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम, सर्वनाम जो पुरुष या
जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं, नाम के बदले आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यदि जैसे की बात कर ली यहां पर, जैसे हो जाएगा मैं, आप, तुम, वे लोग इत्यादि आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, जो क्या होते हैं किसी पुरुष या किसी स्त्री के नाम के बदले में आते हैं, तो उस सर्वनाम को क्या कह देंगे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, आप, वे लोग, वे सब, तुम, ये आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसका हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो थोड़ी सी प्रयोग हम देखें। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, लिखेंगे राम बहुत अच्छा लड़का है, लड़का है। अब जब हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे वह बहुत सुंदर लड़का है, सुंदर लड़का है। इसके बाद कहें वह पढ़ने में तेज है, वह पढ़ने में तेज है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने लिखी है वह बहुत अच्छा लड़का, राम बहुत अच्छा लड़का है। बात कर रहे हैं किसका, राम की। राम क्या है, पुरुष है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पुरुष की बात कर रहे हैं, जो राम बहुत अच्छा लड़का है। इसके बाद फिर हम राम के लिए ही वह का इस्तेमाल लिखे हैं, वह का प्रयोग किसके लिए किया है, तो हम राम के लिए किए हैं। तो राम क्या है लिख रहे, उसके बाद वह बहुत सुंदर लड़का है। जो वह जो आया है वह किसके बदले में आया है, तो राम के बदले में आया है। और राम क्या है, एक पुरुष है। राम क्या है, एक पुरुष है। तो यही बात हम बताए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में, जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आते हैं, तो वह राम हो गया, राम हो गया एक पुरुष, और राम के बदले में लाए हैं वह कौन सा वाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर राम के बदले में यहां पर भी वह लाया है, तो वह आया है, यह भी कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्त, इस प्रकार से हम सर्वनाम का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम का भेद जानते हैं। सर्वनाम का तीन भेद होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम का तीन भेद आ जाते हैं, अरे इसको हम साफ कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीन भेद होता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं उसको जान लो थोड़ी सी। पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। पहला की बात कर ले तो आपको पहला आ जाएगा, दिखाई दे रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीन भेद होता है। सबसे पहला आता है आपको प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, जिसको हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, अन्य पुरुष। उसके बाद आ जाता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। फिर आ जाता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। यह आ जाती है आपको पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, प्रथम पुरुष,
प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं मध्यम पुरुष, फिर आते हैं उत्तम पुरुष। तो चलो अब पारे बारे में जानते हैं प्रथम पुरुष किसको कहते हैं, फिर जानते हैं उत्तम पुरुष, फिर जानते हैं मध्यम पुरुष। तो एक नंबर में आया है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष तो उसको कहते हैं जिसके बारे में बात किए जाते हैं, लेकिन वह वहां पर उपस्थित नहीं रहता, वहां से एब्सेंट रहता, कहीं और रहता है। यानी कि जहां पर बात चल रही है, जहां पर बात चल रही है उसकी तो बात हो रही है, लेकिन वहां पर प्रेजेंट नहीं है, वहां पर उपस्थित नहीं है, कहीं और है, उसको कहते हम प्रथम पुरुष। जैसे हम बात कर ले, मान के चलो हम और आप में बात हो रही, हम और आप में अभी बात चल, लेकिन जैसे बात करें अंग्रेज बहुत अत्याचार किए, अंग्रेज की बात करें, अंग्रेज क्या अभी वर्तमान में उपस्थित है? तो नहीं है, तो वह कौन से पुरुष हो जाएगा? वह हो जाएगा प्रथम पुरुष। कौन से पुरुष आ जाएगा? प्रथम पुरुष। जिस प्रकार से हम बात करें, जो कल जो लड़का था अपना सबके साथ में, वह बहुत तेज दौड़ता है, या हम बात करें वह जो आदमी था वह बहुत ज्यादा खाते थे, वह जो आदमी थे अभी है नहीं, वह लड़का बहुत अच्छा था अभी नहीं है, नहीं पहले था, और कहीं है अभी मेरे पास नहीं, और हम आप में दोनों में बात हुआ। इस प्रकार से जो होता है जिसके बारे में तो बात करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान समय में दोनों के बीच में नहीं होती है, तो उसको कहते हम प्रथम पुरुष। बात कर ले वहां पर मध्यम पुरुष, हम और आप में बात हो रहे, हमने बताते आप सुन रहे, हमने पढ़ाते आप बैठ कर देख रहे, तो आप हो जाएंगे कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। यानी कि जो आदमी सुनते हैं, जो आदमी सुनते हैं, सुनने वाले को हम कहते हैं मध्यम पुरुष, और जो क्या कर रहे हैं, कोई चीज बता रहे हैं, कोई चीज बता रहे हैं, उसको कहते हैं उत्तम पुरुष, उसको कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, अभी व्याकरण की लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, देख रहे, तो अभी हमने बता रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे। तो माई क्या हो जाओ, हम हो जाएंगे उत्तम पुरुष, आप हो जाएंगे मध्यम पुरुष। मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन और दूसरे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे, वो हो जाएगा प्रथम पुरुष। क्लियर? तब इसको लिखेंगे किस प्रकार से, प्रथम पुरुष वैसा पुरुष या वैसा व्यक्ति, वैसा व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जिसके बारे में, जिसके बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लेकिन वह उपस्थित नहीं है, कर रहे हैं लेकिन वह उपस्थित नहीं है, लेकिन वह उपस्थित नहीं है, वह प्रथम पुरुष कहलाता है, उपस्थित नहीं है प्रथम पुरुष कहलाता है, प्रथम पुरुष कहलाते हैं, क्या लाते हैं। जैसे बात कर ले, जैसे वह, जैसे वह, वे इत्यादि, ये आ जाएगा आपको प्रथम पुरुष। समझ अभी तक आ गया है तो फटाफट से फोटो ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसमें और लिखना है तो लिख लो, उसका उसकी ढेर सारा, यानी कि जिसके बारे में बात होती है और उपस्थित नहीं है, तो उसको कह देंगे कौन सा,
तो प्रथम कोष, आगे बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम पुरुष के बाद कौन से आते हैं? मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष के बाद फिर कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष कौन सा हो जाएगा? जैसे फटाफट से आप एक बार बताएं, क्योंकि हमने अभी कुछ थोड़ा सा बता देते हैं। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, क्या होते हैं? तो मध्यम पुरुष कहेंगे जो व्यक्ति क्या करते, सुन रहा हो या सुनने वाले को हम कहते हैं मध्यम पुरुष, या हम कह सकते हैं जिसके माध्यम से क्या होती है बात एक से दूसरे तक पहुंच। जैसे हम आपसे बात कर रहे, आप जाकर अभी क्लास की, और क्लास करने के बाद भी क्या हुआ, आप गए अपने दोस्तों के ग्रुप में और वहां पर आपने बातों को शेयर किया। जो चलो रे भाई यूट्यूब पर एक सर का जैसे सर का क्लास देखे, जो व्याकरण बहुत अच्छा पढ़ा दी, तो आपको क्या हो गया? माध्यम हो गया। मध्यम मतलब इसका हमने बताए, आपने सुने और आपने जाकर अपने दोस्तों को बता दिया, तो आपने क्या किया, बीच के काम के बताने में, और वो सब भी आकर हमारे क्लास खूब लाइक शेयर किए, अपने बीच में आ गए। बीच में आने वाले को कौन सा? तो बीच में आने वाले को कहते हैं मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष लिखकर डैश दो फटाफट से, मध्यम। मध्यम पुरुष किसको कहेंगे? सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। आप सुन रहे हैं तो आप कौन सा पुरुष हो जाएंगे? मध्यम पुरुष कहते हैं। यहां तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हम बात कर लेते हैं तुम, जैसे तुम, जैसे किसके बात कर ले, तुम इत्यादि, तुम आप हो जाएगा। जैसे बात कर लें, आप तो बहुत अच्छा समझ रहे, तो आप अच्छा समझ रहे, यानी कि सामने में, तब तो आप कह रहे आप अच्छा समझ रहे, आप तो वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कर दिए, तो क्या कर रहे हैं सामने में, तूने तो कल हटिया में सिगरेट पी रहा था, यानी कि सामने में है ना, सामने में बात कर रहे हैं ना, जो सामने में होती है यानी कि सुन रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो उसको क्या कह देंगे? मध्यम पुरुष। उसको क्या कह देंगे? मध्यम पुरुष। आगे हम बात कर लेते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनने वाले के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष। सुनने वाले के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम, ऐसे भी लिख सकता है। सॉरी, सुनने वाले के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। सुनने वाले के जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम किसको कहेंगे? जो वक्ता के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, या वैसे सर्वनाम जो वक्ता के लिए आते हैं, तो उसको कहते हैं मध्यम, सॉरी उत्तम पुरुष सर्वनाम। वैसा सर्वनाम, सर्वनाम जो वक्ता वक्ता के लिए आते हैं, वैसा सर्वनाम जो वक्ता के लिए आते हैं उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे
जैसे आप इसमें से निकालना कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मैं इस चैनल पर हिंदी साइंस और SST पढ़ाते हैं। मैं इस चैनल पे क्या पढ़ाते हैं देख, मैं इस चैनल पर हिंदी ओकर बाद विज्ञान पढ़ाते हैं। मैं इस चैनल पर क्या पढ़ाते हैं, हिंदी और विज्ञान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहे हैं, मैं। तो मैं किसके लिए आया है, तो हमारे लिए आया है, क्योंकि हम बज रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो मैं किसके लिए आया है, तो मेरे लिए आया है। या कौन सा सर्वनाम आ जाएगा, यह आ जाएगा उत्तम पुरुष सर्वनाम। जैसे हम लोग ये आ जाएगा उत्तम पुरुष में, ये पूरा नहीं, ये मैं आ जाएगा। जैसे हम लोग कल पटना जाएंगे। हम लोग कल क्या जाएंगे, पटना जाएंगे। तो हम लोग किसके लिए आया है, हम सबके लिए आया, मेरे लिए आया हम लोग। या हम कल पटना जाएंगे, फिर किसके लिए आया है, तो मेरे लिए आया है। यानी कि जो बाज रहे हैं, यानी कि जो क्या कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, उसके लिए आया है। हम कल पटना जाएंगे तो कल क्लास नहीं चलेगी, तो हम किसके लिए आया है, जो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलने वाले के लिए आए हैं। तो जो बोलने वाले के लिए आते हैं, तो उसको हम कौन सा सर्वनाम कहते हैं, तो उसको कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। उसको क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष सर्वनाम। इसके साथ तो और भी आएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा जो सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके बाद सर्वनाम के कितना भेद होता है, फिर प्रथम पुरुष सर्वनाम, सॉरी, उसके बाद सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद के बाद फिर आप जान चुके हैं प्रथम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम और पुरुष सर्वनाम क्या होते हैं। यहाँ तक में दिक्कत नहीं हुआ, तो आगे फिर बढ़ते हैं, तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद कौन से सर्वनाम होंगे उसको चलते हैं। समझ में यदि आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कीजिए, और इसी चैनल के माध्यम से कुछ ही टाइम्स के बाद लेकर आएंगे क्लास 10th के VVI जितना भी होगा, सारे का सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इत्यादि से हर एक विषय का कराया जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज का, इसी चैनल पर चलेगा कुछ ही दिन के बाद। जो क्लास 10th की जो भी होगा, साइंस की हो जाएगा, SST को हो जाएगा, मैथ्स को हो जाएगा, अन्य सब्जेक्ट का जो भी आ जाएगा, आपको सारा का कुछ करवाया जाएगा जो एग्जाम में कुछ नहीं लाइक होगा। इसके बाद हम कर लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, दो आ जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हम उसको कहते हैं जिससे क्या होते हैं, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध होता है, वैसा सर्वनाम जिससे दिखा दे रहा, वैसा सर्वनाम जिससे किसी निश्चित या हम कह सकते खास, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु
या स्थान, वैसा सर्वनाम जैसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है, या हाँ बोध होता है, निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान के बोध होता है, बोध होता है उसे उसे निश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जो क्या होते किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का क्या कराता है, बोध कराता है या उसके बदले में आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ आ गया? जैसे यदि हम बात कर ले, जैसे हम बात कर ले, जैसे या वह वे इत्यादि निश्चित खास या पर्सनल चीज का बोध होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मार्कर क्या है, उजला है। यह मार्कर क्या है, उजले। यह कैमरा बहुत अच्छा है। किसी खास के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो जिस सर्वनाम से क्या होते हैं, किसी खास व्यक्ति या वस्तु या वैसा सर्वनाम जो किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए आते हैं या स्थान के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसको कहेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। उसको क्या कह देंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह लड़का बहुत लंबा है, वह लड़की बहुत नाटी है। यह किसके लिए, तो किसी खास के लिए आ रहा है, जो वह है दिखा रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार के सर्वनाम को कौन सा सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद फिर आ जाते हैं, ये भी समझ में आ गया किस प्रकार से इसका प्रयोग कर दें। इसके बाद आ जाते हैं तीन में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम अनिश्चयवाचक। क्या अनिश्चय मतलब होता है, किसी खास के लिए। अनिश्चय मतलब क्या, तो किसी खास के लिए नहीं किया जाता है वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध नहीं हो, उसे कौन सा कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बात कर ले, जैसे कोई तो जिस प्रकार से मान के चलो दरवाजे पर कोई आया है, आप जिसको नहीं जानते, अब मम्मी पूछे कौन है तो पता ना कौन है, कोई है, कुछ है, कोई है, हम नहीं जानते कौन है, कौन, कोई, उसके बाद कुछ। जिस प्रकार से मान के चलो मार्केट गए हैं सब्जी लाने के लिए, अपने मम्मी को पूछा जो मम्मी कौन सा सब्जी लेना है, तो मम्मी बोल दिया जा कुछ भी ले लेना। किसी खास की बोध नहीं ना हो रहा, यदि वहीं पर कह दिया आपको कद्दू ले लेना, उसके बाद परवल ले लेना, आलू ले लेना,
ये तो क्या वो खास के बोध हो गया, जब कहता जाओ कुछ ले लेना, जो मर्जी है वो ले लेना, तो कुछ ले लेना मतलब पता नहीं क्या लेना, जो मर्जी है वो ले ले, किसी खास की बोध नहीं हो रहा। इसके बाद कौन आया है, कोई आया होगा हमें पता नहीं, किसके बारे में बात हो रहे, किसी खास निश्चित का बोध नहीं कराते। जो सर्वनाम किसी खास निश्चित का बोध नहीं कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो किसी खास का बोध करा देते हैं उसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे फिर बात कर, यहां तक दिक्कत नहीं होगा, आगे हम बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखे का है, चलो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न कौन, सॉरी अगला क्या है, अगला कौन सा सर्वनाम को बात करेंगे, तो आगे का हम बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, फिर चलेंगे उससे आगे सर्वनाम आज की क्लास में। आगे करते हैं हम कौन सा सर्वनाम, तो आगे कर लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसके ऊपर चर्चा करते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम को किस प्रकार से हम लिखते हैं, वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम, सर्वनाम जिससे, वैसा सर्वनाम जिससे, वैसा सर्वनाम जिससे क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसा सर्वनाम जिससे क्या करते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं। वैसा सर्वनाम जिससे प्रश्न के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, पूछने के लिए प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, करते हैं उसे, उसे प्रश्नवाचक, वाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसमें करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए। तो प्रश्न पूछने के लिए लाए गए सर्वनाम का हम कहा क्या कहते हैं, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कौन, क्या, कब इत्यादि और आ जाएगा। जैसे मान के चलो बात कर लेते हैं कौन वाला का, तो कौन वाला किस प्रकार से आएगा, कौन पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, या क्या पढ़ रहा है, या हम कह सकते हैं कौन पढ़ रहा है। इस प्रकार से जो आते हैं सर्वनाम का प्रयोग हुआ, क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो क्या यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने में क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उस सर्वनाम को हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम समझ में आया, तो जिन सर्वनाम का प्रयोग कहां करते हैं, प्रश्न पूछने, क्वेश्चन पूछने, तो उस सर्वनाम को कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम।
फिर बढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, चलो उसको भी जानते हैं। पांच नंबर में संबंधवाचक, संबंध वाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संबंधवाचक सर्वनाम को जरा सा आप जानिए। वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिससे, वैसा सर्वनाम जिससे वाक्यों में आए संज्ञान, वाक्यों में आए हुए, वाक्यों में आए हुए संज्ञा में, संज्ञा में संबंध दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। वैसा सर्वनाम जो वाक्य में आए हुए संज्ञा में क्या दर्शाता है? संज्ञा में, संज्ञा में संबंध दर्शाते हैं, दर्शाते हैं उसे संबंधवाचक, संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जो वाक्य में आए हुए सर्वनाम में क्या करते हैं? संबंध बताते हैं। तो वाक्य में आए हुए सर्वनाम, सॉरी, वाक्य में आए हुए संज्ञा में जो संबंध दर्शाते हैं उसको कह देते हैं कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसे जो करेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा बात कर ले सो भरेगा। इस प्रकार का जो सर्वनाम होते हैं वह सर्वनाम क्या कहलाते हैं? तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यदि इसका प्रयोग हम देख ले, इसका प्रयोग कर ले, तो जिस प्रकार संवाद नहीं होता है किसी किसी बात में कहते हैं तो हमको क्या दे रहा है? जो करेगा सो करेगा, जो करेगा सो करेगा, जो तोड़ेगा वो भरेगा, इस प्रकार से आते हैं, तो उसको हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम और बच जाते हैं, उसको भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। और अगला जो सर्वनाम आ जाते हैं वह आपको आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम और आ जाते हैं, वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम उसको कहते हैं जो क्या करते हैं? स्वयं के लिए, खुद के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे बात करते हैं और उसकी डिफिनेशन भी जानते हैं। यहाँ तक लगभग लगभग आपको क्लास समझ में आ रही होगी। यदि क्लास समझ में आ रही है तो फटाफट से क्लास को शेयर कीजिए, और चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि आपके लाइक से यह पता चलती है जो आपको क्लास इंटरेस्टिंग है या नहीं। चलो बढ़ते हैं, अब चलते हैं अगला नंबर का। और अगला नंबर का वह आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? निजवाचक सर्वनाम। आगे की बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। कौन से सर्वनाम को बात करते हैं? निजवाचक सर्वनाम। वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम, सर्वनाम जिससे, जिससे स्वयं या खास का बोध, स्वयं या
इतिहास का बोध हो, बोध हो उसे निज वाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निज वाचक सर्वनाम, जैसे हम बात करें जैसे मान स्वयं, जैसे मान स्वयं इत्यादि। हाँ, जैसे मान ये कौन सा सर्वनामा हो जाएगा? निज वाचक। इस प्रकार से करेंगे, मैं स्वयं आ जाऊंगा, मैं स्वयं खा लूंगा, मैं स्वयं सो जाऊंगा। इस प्रकार के सर्वनाम जो आते हैं उसको हम कौन सा सर्वनाम कहते हैं? उसको कहते हैं निज वाचक सर्वनाम। समझ में आ गया? यहां तक हमें दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहां तक हमें दिक्कत नहीं हुआ। यदि आपको यहां तक में भी दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, या नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, इंस्टा आईडी, इसका लिंक मिलेगा। आप वहां से जाकर इसको भी फॉलो कर ले, या आपको संपर्क करनी है तो इसमें से किसी भी आईडी पर आकर संपर्क कर सकते हैं और आपकी समस्या का 100% समाधान मिलेगा। तो आज की क्लास यही तक रहने देते हैं, सर्वनाम को करते हैं कंप्लीट। सर्वनाम का कुछ प्रयोग आते हैं जो क्या होता, माए मायने ई वाला, इसको करेंगे अगली क्लास में। आज सर्वनाम का छोवा भेद को हमने जान लिया। तो आज की क्लास में हमने क्या सम पढ़े? सर्वनाम पर है, सर्वनाम के प्रकार पर है, और सर्वनाम की छवों का छव प्रकार का डेफिनेशन जाने उदाहरण पर। तो क्लास यदि इंटरेस्टिंग है, वीडियो पसंद आए, आपकी समझ में कुछ आए हैं, तो हमारे चैनल जेएसके सर क्लासेस 2.0 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल अभी बहुत छोटा है, इसको प्रयास कीजिए थोड़ी सी चैनल को बड़ा करने का। बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।